गाइस यार, फ्रैंकलिन आजकल मेरे साथ सही बिहेव नहीं कर रहा है। पता नहीं मुझे अच्छे से ट्रीट क्यों नहीं करता। एक मिनट, ये क्या? यहाँ पर मैं तो अवेंजर से शिकायत करने आया था फ्रैंकलिन की, और ये तो फ्रैंकलिन के साथ मस्ती कर रहे हैं। अरे भाई रेड कैमरामैन, तू भी बहुत फनी है। एक मिनट, ये क्या? ये सब लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं मेरे बिना। फ्रैंकलिन, तू मेरे बिना पार्टी कैसे कर सकता है? मैं तेरा कितना अच्छा दोस्त हूँ ना। अरे बच्चे, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे टीवी मैन, तू हमारी पार्टी क्यों बिगाड़ रहा है भाई? जाए यहाँ से। अरे बिल्कुल यार, टीवी मैन तू तो कितना भद्दा दिखता है। हमको देख, हम कितने कूल फ्रैंकलिन, देख ली ना इन लोगों को, ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अरे बाप रे, टीवी मैन भैया, आपको बोला था ना घर पे रहने के लिए, आप यहाँ क्यों आ गए? हे टीवी मैन भैया, आपकी शक्ल नहीं है यहाँ पर पार्टी करने लायक है। वाह भाई वाह, कल भी अपने दोस्त को समझा लिया, ये जब देखो पार्टी में आ जाता है, दिमाग खराब करने बिल्कुल नूब है। अरे हाँ बिल्कुल नूब है, स्पीकर मैन और कैमरा मैन यहाँ पर बेस्ट है। कैमरा मैन तू तो चुप ही हो जा, तू तो वैसे भी चोर है, यहाँ पर तू चोरी करता है, लोगों को मारता है, समझा? मैं इतना बुरा नहीं हूँ। हे तुम लोग रुको, यहाँ पर तुम अपने दोस्त को छोड़ के अपने दुश्मनों के साथ नाच रहे हो, तुम लोगों शर्म नहीं आती? किसको दुश्मन बोल रहा है तू? विमेन, मैं तेरी हरकतों से तंग आ गया हूं। जहां देखो तू मेरी बेइज्जती करवाता रहता है भाई। यार फ्रैंकलिन ऐसा मत कह, मैं तो तुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानता हूं, लेकिन तू नहीं है मेरा बेस्ट फ्रेंड, समझा? टोनी देख ले, इसको निकाल दे अपने घर से। हां चल निकल यहां से। जब बोल रहा है ना फ्रैंकलिन नहीं है तेरा बेस्ट फ्रेंड, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये टीवी मैन का बेस्ट फ्रेंड बिल्कुल भी नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है फ्रैंकलिन, अगर तू मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है तो मैं कहां जाऊंगा? निकल बेकार कहीं का, नूब है तू। हां बिल्कुल सही कहा, नूब टीवी मैन चले आते हैं। अबे एक बार स्पीकर मैन को देख, कैमरा मैन को देख, कितने ताकतवर हैं, कितनी बार दुनिया को बचाए, तूने क्या कर लिया है? ओह नो दोस्तों, अगर तुम्हें मेरी इस वीकनेस से परेशानी है तो मैं तुम लोगों को ताकतवर होकर दिखाऊंगा, फिर तुम मुझे जरूर अपनाओगे ना। अरे निकल जा, तेरे बस की नहीं है ताकतवर होना। बिल्कुल सही कहा, बेचारा वीक कहीं का, बेचारा टीवी मैन। गाइस मुझे ताकतवर होना होगा, सारे एवेंजर्स और मेरा दोस्त फ्रैंकलिन भी मुझे वीक बोलता है। एक मिनट दोस्तों, ये क्या? यहाँ पर तो एक बड़ा सा टीवी है। गाइस अगर इस टीवी को मैं अपने हेड पर लगा लूं तो शायद मैं पहले से ताकतवर बन सकता हूँ। गाइस आप एक काम करो ना, प्लीज जल्दी से वीडियो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब, फिर इसी वजह से ना मैं यहाँ पर इस बड़े से टीवी को अपने हेड पे लगा लूंगा, फिर कैमरामैन की तरह और स्पीकर मैन की तरह मुझे भी इज्जत मिलेगी। गाइस कितना बढ़िया टीवी है, चलो गाइस देखिए, मैंने इसको अपने हेड पे लगा लिया। अरे वाह ये कितना बड़ा है और ये तो एकदम ब्लैक लग रहा है। मेरे पास स्पीकर भी आ गए, मैं काम करता हूँ इस टीवी की ना पहले पावर। अरे मर गया, ओ नो बचाओ, ये किसने मार दिया मुझे, हेल्प मी। अरे दोस्तों फ्रैंकलिन बचा। अरे दोस्तों ये क्या हो गया मेरे को, किसी ने मेरे टीवी पे बम लगा दिए और मुझे मारने की कोशिश की। गाइस प्लीज जल्दी वीडियो लाइक करो, फ्रैंकलिन को बताओ उसका टीवी मैन मर रहा है। एक मिनट, कोई है प्लीज मेरी मदद करो, ये कौन मार रहा है मुझे? ओ नो, कोई मुझे गोलियों से मार रहा है, कोई प्लीज मुझे बचाओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस ताकतवर होकर अपने दोस्तों से सम्मान पाना चाहता था, मैं चाहता था फ्रैंकलिन मेरा हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहे। नहीं मुझे नहीं मरना, ये क्या हो गया मेरे साथ, काफी मजा आ रहा है। गाइस यार मैंने कुछ ज्यादा बुरा भला बोल दिया भाई टीवी मैन को। फ्रैंकलिन मेरे भाई मुझे माफ करना, मुझे तुझे छोड़ के जाना पड़ रहा है, मुझे कुछ सही सी फीलिंग नहीं आ रही है। टीवी मैन कहां पर गया होगा? अरे वो घर गया होगा हमारे यहाँ। वाह भाई कल वह चिंता मत कर, पार्टी कर। नहीं 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 यार मैं घर जा रहा हूँ। गाइस मुझे थोड़ा सा यार यहाँ पर दिल घबरा रहा है मेरा, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई अनहोनी हो गई हो। तुम लोग सारे साथ चलो जल्दी से, हम अपने घर जाते हैं। गाइस यार मैं भी ज्यादा जोश में आ गया था, मैंने कुछ ज्यादा बड़ा बुरा सिखा दिया था। एक मिनट, ओ माय गॉड ये किसका बुलेट है यहाँ पर? वाह भाई कल वह ऐसे किसी का एक्सीडेंट हो गया होगा। वाह तू चल जल्दी टीवी मैन को ढूंढना है हमको। हाँ गाइस यार टीवी मैन ठीक तो होगा ना? अगर वो ठीक है तो आप प्लीज कमेंट में जल्दी यस लिखिएगा, नहीं है तो नो लिखिए। अरे फ्रैंकी भैया चिंता मत कीजिए, टीवी मैन जरूर घर पे गया होगा। हे हमारा टीवी मैन इतना बुरा नहीं है। अरे बाप रे गाइस, एक मिनट मैं बच गया क्या? अरे मैं ये कहाँ हूँ? ये तो पानी है और मैं यहाँ पर पानी में सांस कैसे लग सकता हूँ? एक मिनट मैं तो सांस ही नहीं ले रहा हूँ, ये क्या हो गया मुझे? मैं जिंदा भी हूँ या मर चुका हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऊपर जाते हैं। इसके बड़े आज समुद्र काफी अच्छा लग रहा है। एक मिनट यहाँ पर इसकी भी टॉयलेट मास्टर क्या कर रहे हैं? ए हेलो तुम लोग मुझे देख सकते हो क्या? एक मिनट गाइस ये लोग मुझे देख क्यों नहीं पा रहे? आ रहा है इसके बड़े यहाँ पर किसी की आवाज आ रही है। उसके बड़े मेरे को भी आवाज आ रही है। गाइस मैं एक टीवी मैन हूँ, प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे मेरे फ्रैंकलिन से मिलवा दो। फ्रैंकलिन कहाँ पर होगा? यार मैं ये कहाँ पर आ गया? आ रहा है इसके बड़े ये भाई किसकी आवाज आ रही है? कौन फ्रैंकलिन से मिलना चाह रहा है? उसके बड़े मुझे लगता है इस बीच में कोई भूत है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं मर नहीं सकता। अरे इसके बड़े यहाँ से आवाज आ रही है। अरे भैया भागो, अरे बीच में कोई भूत है। और उसके बड़े पहले मैं भागूंगा। अरे हमने कुछ नहीं किया इसके बड़े, और भूत जी हमको मत
मारना। नहीं मैं किसी को मारना नहीं चाहता, प्लीज दोस्तों। ना ये क्या हो गया, सब मुझसे दूर भाग रहे हैं। एक मिनट, हेलो भाई तू तो सुन ले मेरी। यार मैं क्या करूं गाइस, मुझे इस कार में बैठ के घर जाना होगा। नहीं 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 नहीं, मैं कार भी नहीं चला सकता, मैं तो हर चीज के आर पार जा रहा हूँ। ये क्या हो गया मेरे को, मैं तो मर गया। मुझे किसने मारा? फ्रैंकलिन मुझे हमारी दोस्ती की बहुत याद आ रही है, हम साथ में कैसे मस्ती किया करते थे, साथ में कैसे मजे किया करते थे, अब हम सब दोबारा कैसे करेंगे। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं घर जाऊंगा गाइस, मैं बहुत देर में घर पे आ पाया हूँ, अब तक तो फ्रैंकलिन घर पर आ चुका होगा। देखा मैंने कहा था ना टीवी मैन बहुत अच्छा है। अरे हाँ दोस्तों मैं बहुत अच्छा हूँ। अरे हाँ भाई सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही सुना दिया तुझे, तू हमारा बेस्ट टीवी मैन है। एक मिनट, ये क्या, ये कौन सा टीवी मैन है? एक मिनट, ये किसकी आवाज आ रही है यहाँ पे, दो दो टीवी मैन। ओ भाई तू कौन है और तू कौन है? अरे फ्रैंकलिन क्या, अरे बाप रे ये नकली कौन है? अरे मैं नकली नहीं हूँ फ्रैंकलिन, मैं असली हूँ। तुझे पता है जब मैं टीवी मैन यहाँ पर बड़ा होना चाह रहा था ना, बड़ा वाला टीवी मैन बनना चाह रहा था, तब मेरे को किसी ने मार दिया। ये क्या कह रहा है भाई तू? अरे बाप रे फ्रैंकलिन भैया, कौन असली कौन नकली मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है ये कोई बहरूपिया है जो बाद में आया है। वाह भाई कल वह बिल्कुल सही कहा, हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा है असली टीवी मैन कौन है। अरे यार मैं हूँ असली टीवी मैन, और चल निकल यहाँ से नकली टीवी मैन ये ले। नहीं ये नकली टीवी मैन, इसकी आवाज देखो। अरे चल तेरी तो पास तो तेरी बॉडी भी नहीं है, क्योंकि मुझे किसी ने मार दिया है, ये मेरी आत्मा है, और तू मेरी सोल को कैसे मार सकता है? अरे निकल मैं टीवी मैन हूं, किसी भी चीज को मार सकता हूं। गाइस यहां पर शायद फ्रैंकलिन मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रहा है, उसको प्लीज आप लोग ही कमेंट में यस लिख के बताइए ना मुझे किसने मार दिया है, अवेंजर्स जरूर मेरी बात पे यकीन करेंगे, मैं अवेंजर्स के पास जाऊंगा। अरे आज तो भाई काफी मजा आ गया यार, कैमरामैन स्पीकर मैन कल भी आना? अरे बिल्कुल आएंगे। गाइस मेरी बात सुनो। अरे बाप रे टोनी सर, ये टीवी मैन कहां से आ गया से? एक मिनट कौन टीवी मैन? अरे मुझे उसकी आवाज आ रही है लेकिन दिख नहीं रहा है, ओए कहां छुपा हुआ है तू? गाइस क्या तुम लोग मुझे देख नहीं सकते? लगता है गाइस सिर्फ फ्रैंकलिन और उसकी फैमिली मुझे देख पा रही थी, ये लोग तो मुझे देख भी नहीं पा रहे। अरे मैं देखता हूं यहां पर कौन सा टीवी मैन है भाई जो दिख नहीं रहा है, मेरे कैमरे से आज तक कोई नहीं बचा। अभी यहां पर एक्टिवेट करता हूं अपना ब्लू रे फिल्टर और यहां पर सबको दिखा देता हूं। ओ भाई साहब, ओ यहां तो एक खतरनाक आत्मा है, और ये कौन है? और ये तो टीवी मैन जैसा दिखता है। उठिन की कसम ये क्या हो गया टीवी मैन को? और लगता है ये मर गया, ऊपर वाले को प्यारा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। एक मिनट तू टीवी मैन है भी या नहीं? अरे मैं टीवी मैन ही हूँ। अरे बाप रे, अब मैं फ्रैंकलिन के पास चलना पड़ेगा, भाई जल्दी बैठो। लेकिन टीवी मैन तुझे हुआ क्या? मुझे किसी ने मार दिया, मैं स्टार्क मेंशन के बाहर एक बड़े से टीवी को अपने हेड पे लगा के जा रहा था उसकी पावर टेस्ट करने, और तभी एक बॉम्ब फटा और मैं मर गया, पीछे से किसी ने बंदूक से गोलियां भी मारी थी। उठिन की कसम ऐसा कौन कर सकता है? तो तूने फ्रैंकलिन को नहीं बताया? फ्रैंकलिन के घर के पास कोई और टीवी मैन भी है। हैं ये क्या कह रहा है तू? जरा मैं भी तो देखूं भाई क्या चल रहा है। फ्रैंकलिन, ओ फ्रैंकलिन तुझे टीवी मैन के बारे में पता है? वो टीवो एक, अरे बाप रे ये सब क्या है, यहां पर एक और टीवी मैन है। और एक और टीवी मैन क्या भाई, मैं असली टीवी मैन हूं। अरे बाप रे ये क्या, एक जिंदा टीवी मैन और एक मरा हुआ टीवी मैन है। ओके तो यहां पर अवेंजर्स के पास पहुंच गया वो टीवी मैन। तुझे रख लिया ये टीवी मैन अवेंजर्स का घर कैसे पता? अरे मैं नकली नहीं हूं, मैं असली हूं। प्लीज एक बार कमेंट पढ़ लो बच्चों की, वो भी यस लिख रहे हैं कमेंट में। अरे बाप रे मुझे तो समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, घोटाला है। ओए यार अवेंजर्स इसको बाहर निकालो यहां से। गाइस हमें एक बार इस जो आत्मा वाला टीवी मैन उसकी बात सुननी चाहिए। अबे क्या बात सुननी है, ये हमारा उल्लू बना रहा है, असली टीवी मैन तो सही सलामत और फ्रैंकलिन तेरे पास है। यार टोनी उसको मार मत, कम से कम क्यों नहीं मारो, ओए निकल यहां से बेवकूफ कहीं का। ओ भाई साहब प्लीज फ्रैंकलिन मैं तेरा भाई हूं, मेरी बात पे बिलीव कर। टोनी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैंने बोला ना यहां पर उसको मत मार। अरे बाप रे ये क्या, लगता है फ्रैंकलिन भी उस नकली टीवी मैन का सपोर्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है, बस मैं जानना चाहता हूं यार यहां पर सच्चाई क्या है। ओ तू ऐसे नहीं मानेगा फ्रैंकलिन, तू यहां पर एक बहरूपिय पर यकीन कर रहा है, पहले मुझे भी शक हुआ था इस पर, अब पूरा यकीन है कि वो बहरूपिया है, समझा? हमारा टीम मैन बिल्कुल सही है, हालांकि वो वीक है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना हम उसका साथ छोड़ दें। अरे टोनी यार तू तो कभी मेरी बात सीरियस लेता ही नहीं है, मुझे तुझसे बात करनी नहीं है, मुझे जाके गाइस पता करना पड़ेगा कि असल में जो नकली वाला टीम मैन है जो मतलब मर चुका है, वो असल में ऐसा क्या प्रूफ है उसके पास? भाई हम यहां पर तेरी बात पे कैसे बिलीव करें? यहां पर देख हमारे पास ऑलरेडी एक टीवी मैन है और तू बोल रहा है तू असली टीवी मैन है, तो क्या तू किसी तरह का प्रूफ दे सकता है हमको जिस तरह से पता चल जाए कि यहां पर तू असली टीवी मैन है? मेरी डेड बॉडी अगर मिल जाए तो सब प्रूफ मिल जाएगा। तेरी डेड बॉडी कहां पर है? लास्ट टाइम मैं एक समुद्र के नीचे उठा था, उसके बाद से नहीं पता मेरी डेड बॉडी कहां है, वहां सिर्फ मेरी आत्मा थी, बाकी कोई और प्रूफ? हां एक प्रूफ है स्टार्क मेंशन में, जो टीवी मैंने अपने हेड पे लगाया था वो अभी भी वहीं पड़ा होगा स्टार्क मेंशन में। अभी चलते हैं गाइस। वैसे जब मैं घर की तरफ आ रहा था स्टार्क मेंशन से निकलकर, तब मुझे एग्जिट वाले डोर पे स्टार्क मेंशन के कुछ बूंद
तो दिखी थी यार खून की, मुझे लगा था वो ऐसी होंगी। एक मिनट, यही है क्या बॉडी? नहीं फ्रैंकलिन, यहाँ नहीं है, अंदर चलना पड़ेगा। अंदर कहाँ पर? यहाँ तो कोई बॉडी नहीं है फ्रैंकलिन, मैं यहीं कहीं ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद किसी ने पीछे से मुझे शूट कर दिया था। एक मिनट गाइस, वो ब्लड भी नहीं रहा यार अब यहाँ पर। फ्रैंकलिन प्लीज ध्यान से देखिए, यहीं कहीं होगा। एक मिनट, उधर कुछ तो है। इधर आ भाई। ओ भाई साहब, ये क्या? अरे हाँ गाइस, सच में तो टीवी है। अरे बाप रे, इसमें तो बिजलियां निकल रही है। अरे यार, इसमें तो टाइम बॉम्ब लगा पड़ा है। फ्रैंकलिन, वो टाइम बॉम्ब फटेगा नहीं, वो ऑलरेडी फट चुका है। ओ माय गॉड, जरूर किसी मेरे दुश्मन ने यहाँ पर ये मुझे मारने के लिए क्या होगा। अगर असली टीवी मैन तू है भाई, तो वो टीवी मैन कौन है जिसके साथ मैं मस्ती मजाक कर रहा था? तब भी सोचूं, उसकी आवाज भी गाइस बदली हुई थी। गाइस, जिसने भी टीवी के पास ये खतरनाक बॉम्ब लगाया होगा ना, वो जरूर सबूत मिटाने आएगा। भाई टीवी मैन, तू इधर आजा। चिंता मत कर फ्रैंकलिन, वो जो भी होगा मुझे देख नहीं पाएगा, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तू यहीं पे छुपा रहे। अरे फ्रैंकलिन देख भाई, वो तो स्पीकर मैन है। कहां? ओ माय गॉड गाइस, ये स्पीकर मैन इधर क्यों आ रहा है? आ रहा है भाई, यार ये खतरनाक टीवी क्या कर रहा है यहां पर? ओ भाई साहब, इसमें तो बिजली छूट रही है। ओ कहीं यार एवेंजर्स को पता। ओ भाई साहब, ये तो टाइम बॉम्ब है। अबे अबे अबे, तो गड़बड़ हो जाएगी एवेंजर्स को पता चल जाए तो। यार मेरे को जल्दी से इसको बाहर लेके जाना होगा। गाइस ये इतना क्यों घबरा रहा है कि एवेंजर्स को पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी? मुझे तो लगता है इसी ने टाइम बॉम्ब लगाया है। अगर इसने टाइम बॉम्ब लगाया तो भाई वो टीवी मैन कौन है जो मेरे घर पर है, वो भी हम पता लगा लेंगे। पहले देखते हैं ये स्पीकर मैन इस टीवी को कहां लेकर जा रहा है। और भाई मेरी बात सुन, क्या बात है इसके बड़े, जल्दी से भाई ये काम कर, इस टीवी को दूर लेकर भाग जा। आज के बाद ये टीवी कभी दिखना नहीं चाहिए, समझा? अरे इसके बड़े, ऐसा क्या है इसमें? और इस टीवी में खतरनाक टाइम बॉम्ब लगा पड़ा है यार। ये टाइम बॉम्ब कितनों को मार सकता है मैं जानता भी नहीं हूँ, इसलिए यहाँ पर जल्दी से मेरी आंखों से इसको दूर कर दे। और सुन, इस बारे में अवेंजर्स और फ्रैंकलिन को किसी को भी बताना चलना चाहिए, ठीक है? इसके बड़े, अरे मजा ही आ गया, अब मैं इसका इस्तेमाल करके सबको बर्बाद कर दूंगा। ये क्या कर दिया तूने टीवी मैन के साथ? मैं उसको लिटरली में बड़ा टीवी देने आया था जिससे कि दुनिया वाले उसे वीक ना बोले। तू यहाँ पर टीवी मैन को, स्पीकर मैन को साथ में पीट रहा है। टूनी मेरी बात सुन, यहाँ पर असली टीवी मैन वो है जो मर चुका है। पागल हो गया है क्या? मुझे यहाँ पर फालतू की मनगढ़ंत कहानियां मत सुना। बिल्कुल सही कहा, हल्को भी जानना चाहता है यहाँ पर तूने टीवी मैन और स्पीकर मैन को क्यों मारा। प्लीज एक बार इस नकली टीवी मैन का ना यहाँ पर सूट उतरवा के देखो, पता चल जाएगा इसके अंदर जरूर कोई बहरूपिया छुपा हुआ है जो लिटरली में हमारे टीवी मैन को मारकर मजे ले रहा है। तो पागल हो गया क्या? टीवी मैन खुद को क्यों मारेगा? मेरा मतलब हमारे रियल टीवी मैन को मारा है उसने। अरे नहीं प्लीज टोनी स्टार्क, यहाँ पर फ्रैंकलिन की बात पर यकीन कर, वो सच बोल रहा है, मुझे किसी ने मार दिया है और मुझे इतना भी नहीं पता मेरी डेड बॉडी कहाँ है। अरे निकलो यहाँ से मुर्ख कहीं के, मुझे तुम्हारी एक बात नहीं सुननी। अरे भाई टोनी स्टार्क, देखा तूने, फ्रैंकलिन अब मेरा दोस्त नहीं रहा, उस नकली टीवी मैन का दोस्त बन गया है। ऐसा नहीं है, नकली टीवी मैन तू है। चल मेरे भाई यहाँ से चलते हैं, इससे पहले कि एवेंजर्स हमें जान से मार दें। ये लोग तुम्हारी बात पर यकीन करते नहीं है गाइस, मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर मैं कैसे
कैसे पता करूं कि टीवी मैन की डेड बॉडी कहां पर है और टीवी मैन को असलियत में मारा किसने है। फ्रैंकलिन एक तरीका है। क्या तरीका? हमें यहां पर यह पता करना होगा कि उस नकली टीवी मैन के सूट के अंदर है कौन। सही कहा गाइस, इसलिए हम रात होने का इंतजार करते हैं। मैंने वैसे भी उस नकली टीवी मैन के सूट को खराब कर दिया है, वो जरूर उस सूट को रिपेयर करना चाहेगा और सूट को रिपेयर करने के लिए उसको सूट से बाहर निकलना होगा। देखिए गाइस, वो अभी भी यहीं पे पड़ा है लिटरली में और यहां से आया ही नहीं है। अरे बाप रे, मेरी हालत खराब कर दी उस फ्रैंकलिन ने, मेरा पूरा टीवी सूट बिगाड़ दिया। मुझे जल्दी से यहां पर इसको रिपेयर करना होगा वरना मेरी पोल खुल जाएगी। ओ माय गॉड, ये तो रेड हल्क है। तभी सोचो इसकी आवाज ऐसी क्यों है। अरे बाप रे, जल्दी यहां पर एक काम करता हूं, मशीन और टूल लेकर आता हूं और इस टीवी मैन के सूट को अपग्रेड कर लेता हूं। यार कब तक यहां पर मार खाता रहूंगा, उस फ्रैंकलिन को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जैसे यहां पर टीवी मैन मारा है, उस फ्रैंकलिन को भी कोई ना कोई मार देना चाहिए। ए रेड हल्क, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे बाप रे, अरे तू कहां से आ गया? ये ले, मुझे सब पता चल गया, अब तू बचने नहीं वाला है। हट यहां से, तूने यहां पर मेरे भाई टीवी मैन को क्यों मारा? अरे सुन तो सही फ्रैंकलिन, मैंने नहीं मारा टीवी मैन को, झूठ बोलता है तू। अरे सच बोल रहा हूं मैं, मैंने सच में टीवी मैन को नहीं मारा, मैंने बस इतना देखा था यहां पर किसी ने टीवी मैन को मार दिया था ऑलरेडी, तो स्टॉक मैनसन से मैंने उसकी डेड बॉडी उठाई और ग्रेवयार्ड में डाल दी। उसके आगे का मुझे नहीं पता कि टीवी मैन का क्या हुआ। इसका मतलब मेरी बॉडी ग्रेवयार्ड में है। अगर ऐसा है तो हमारे साथ चल, मुझे लगता है तू झूठ बोल रहा है। अरे झूठ नहीं बोल रहा हूं, चलो मेरे साथ, दिखाता हूं तुमको। ओ माय गॉड गाइस, मुझे नहीं पता है रेडल सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, पर मैं उम्मीद करता हूं मेरे टीवी मैन की डेड बॉडी मिल जानी चाहिए। फ्रैंकलिन यहीं कहेगी, आ जाओ यहीं है, ये रहा, कहां पर है? इसमें तो कुछ नहीं है, तू हमें धोखा दे रहा है क्या? हा, फंस गया। ओ भाई साहब, फ्रैंकलिन मेरे भाई, मुझे बचा। फ्रैंकलिन मेरे भाई, नहीं, टीवी मैन मैं तेरे को बचा लूंगा। एक मिनट, तू तो ऑलरेडी मर चुका है, तो यहां पर तुझे पेन क्यों हो रहा है? पता नहीं, वो कुछ खतरनाक चीज है, मैं मर जाऊंगा। नहीं टीवी मैन, गाइस टीवी मैन की आत्मा गायब हो गई, मैं टीवी मैन को नहीं ढूंढ पाया। फ्रैंकलिन तू भी मरेगा। नहीं अरे बाप रे गाइस, कमेंट में जल्दी एवेंजर्स हेल्प लिखिए, ये रेडल सब कुछ तबाह कर देगा। चलो अब मैंने फ्रैंकलिन को भी ठिकान लगा दिया, अब किसी को पता नहीं चल पाएगा कि टीवी मैन को किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा। अब जल्दी जाता हूं और जाकर टीवी मैन का सूट पहन लेता हूं। अरे बाप रे गाइस, हम तो पार्टी करते करते रात को यहीं सो गए थे। ए, सब के सब उठ जाओ, चलो भाई फ्रेश हो जाओ। अरे एक मिनट, टीवी मैन कहाँ पर गया? यार ये टीवी मैन डेली रात को कहाँ चला जाता है? ए, पता नहीं। अरे उठ जाओ गाइस, उठ जाओ जल्दी से, ये टीवी मैन कहाँ गया? टीवी मैन कहाँ पर है तू? आ रहा हूँ। एक मिनट यार, ये डेली पता नहीं रात को गाइस कहाँ गायब हो जाता है और फिर सुबह को आता है। भाई हम तो पार्टी करते करते सो गए थे, तू सोता नहीं है क्या? अरे नहीं, वो अपनी नींद में घर पर जाके पूरी कर लेता हूँ। क्या मतलब, तू फ्रैंकलिन घर पे जाता है क्या? नहीं नहीं, मेरा दूसरा घर। कुछ तो गड़बड़ लग रही है गाइस मुझे, ये फ्रैंकलिन घर पे भी नहीं रहता। और एक मिनट, फ्रैंकलिन कहाँ पर है? और मुझे नहीं पता, वैसे भी वो मेरा दोस्त नहीं रहा, मेरे को पीटता रहता है वो। अच्छा चल ठीक है, तू फ्रेश व्रेश हो जा। कुछ तो गड़बड़ है यार, मेरे को एवेंजर से बात करनी चाहिए। ए, मेरी बात सुनो सिंचन में, चाचा तुम लोगों की फ्रैंकलिन से आखिरी बार कब बात हुई थी? अरे बाप रे, उसको तो काफी टाइम हो गया। चलो मैं कॉल लगा लेता हूँ, यार कब तक गुस्सा रहेंगे हम एक दूसरे से। फ्रैंकलिन कॉल उठा। गाइस ये फ्रैंकलिन कॉल क्यों नहीं उठा रहा है, मुझे उसकी चिंता हो रही है। वो ठीक तो है, अगर वो ठीक है तो प्लीज कमेंट में यस लिखिए, नहीं है तो नो लिखिए। बाकी मुझे तुम लोगों से एक और बात करनी थी, मैं देख रहा हूँ काफी दिन से ये टीवी मैन रात को गायब हो जाता है और सुबह को आ जाता है। अरे हाँ, ऊपर से ये तो फ्रैंकलिन के घर भी नहीं जाता। ओडिन की कसम, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। आज मैं पता करूंगा, आज रात को मैं नाटक करूंगा सोने का, या फिर कहीं छुप जाऊंगा। जब ये टीवी मैन रात को उठ के जाएगा ना, मैं इसका पीछा करूंगा। बिल्कुल हल्क को भी यही करना है। नहीं, सिर्फ मैं करूंगा। और दोस्तों यहाँ पर फिर से पार्टी करनी है क्या? अरे हाँ भाई, बिल्कुल पार्टी करनी है। वैसे अब रात ही होली, अभी नींद आ रही है, हल्क को भी बहुत नींद आ रही है। अरे जल्दी जल्दी सो जाओ, मेरे को जल्दी चलना पड़ेगा यहाँ पर। अरे मैं अभी सो रहा हूँ दोस्तों। हाँ सो जा गाइस, मैं आप पर नाटक कर रहा हूँ सोने का। अरे भाई सब सो चुका है। और भाई चॉप, तू भी सो जा। अरे भाई मैं सो जाऊंगा। अरे जल्दी चलता हूँ यार, ये चॉप को पता चल जाए। गाइस एक मिनट, यहाँ पर देखिए फिर से टीवी मैन गायब हो गया। इस बार मैं पता करके रहूंगा ये रात के टाइम टीवी मैन कहाँ जाता है। गाइस जल्दी उठो, यहाँ पर हल्क उठ गया। मेरी बात सुनो, तुम यहाँ पर निगरानी रखना, मैं जाकर जरा चेक करता हूँ। एक मिनट यार, ये तो मेरी लैब की तरफ जा रहा है। और जल्दी जल्दी चलता हूँ, मेरे को यहाँ पर असली टीवी मैन की डेड बॉडी को गायब करना होगा। क्या वो क्या बोल रहा है, मेरे को क्लियरली समझ नहीं आ रहा है। जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। एक मिनट भाई साहब, ओ माय गॉड, ये तो मेरी सीक्रेट गुफा के दरवाजे पहुंच गया। इसको कैसे पता यहाँ पर कोई गुफा है? और खुल जा सिमसम। और कैसे खुल? अरे वाह बहुत बढ़िया, वो तो अच्छा था उस दिन मैंने डेड बॉडी यहाँ पर छुपा दी थी। किसकी डेड बॉडी छुपा? ओ भाई साहब एक मिनट, ये क्या, असली टीवी मैन तो यहाँ पर मरा हुआ है, इसका मतलब ये हमेशा से नकली है। अरे ये तो टीवी मैन की बॉडी चला गया। ए, तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। कौन है तू बता मुझे? और मार दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे?
भाई टीवी मैन को मारने की। अरे नहीं, अरे टोनी, मैंने नहीं मारा उसको, मैं तो बस यहाँ पर उसके मरने का फायदा उठा रहा था, मैं तुम्हारे साथ एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता था। तो चुपचाप अपने रियल रूप में आता है और आ गया। अरे बाप रे, ये तो रेड हल्क निकला। अरे बाप रे, तभी सोचो ये रेड हल्क ने यहाँ पर किस तरह से हमारे टीवी मैन को मारा है, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन ये रेड हल्क डिनाई करे जा रहा है, ये बार बार बोल रहा है कि यहाँ पर टीवी मैन को इसने नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? मुझे नहीं पता, मैंने तो बस इसकी डेड बॉडी देखी थी। और एक मिनट, फ्रैंकलिन मेरा कॉल क्यों उठा रहा है? क्योंकि फ्रैंकलिन को मेरी सच्चाई के बारे में पता लग गया था, इसलिए मैंने उसको ग्रेवयार्ड पर मार दिया। क्या, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अगर फ्रैंकलिन को कुछ भी हुआ होगा ना रेड हल्क, तो बचेगा नहीं। ओह नो दोस्तों, मेरा फ्रैंकलिन ठीक तो होगा ना यार। गाइस यार, मुझे तो बहुत शर्मिंदगी फील हो रही है, मैंने फ्रैंकलिन की बात पर क्यों यकीन नहीं किया। फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन तू कहां पर है मेरे भाई? गाइस फ्रैंकलिन कहां पर है? वो रेड हल्क सच तो बोल रहा था ना? आप लोग प्लीज कमेंट में लिखकर बताइए मुझे यस या नो, वो सच बोल रहा था या मेरा समय बर्बाद कर रहा था? फ्रैंकलिन तो कहीं भी नहीं दिख रहा है मुझे। फ्रैंकलिन मेरे भाई कहां पर है? तो एक मिनट, ओह नो, मेरा भाई फ्रैंकलिन पिछले 3-4 दिन से यहां पड़ा है बेहोश। जावेस एक काम करो, इंजेक्शन दो, हम फ्रैंकलिन को इंजेक्शन से उठाएंगे, जल्दी से हमें इसे होश में लाना पड़ेगा। फ्रैंकलिन तू ठीक तो है? एक मिनट यार, मेरा सर क्यों चकरा रहा है? टोनी तू आ गया? मेरी बात सुन, यहां पर रेड हल्क ना लिटरली में टीवी मैन बनके घूम रहा है और उसने टीवी मैन की आत्मा को भी गायब कर दिया, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला है कि टीवी मैन को मारा किसने। इसका मतलब रेड हल्क ने नहीं मारा टीवी मैन को? नहीं, लेकिन रेड हल्क यहां पर फायदा उठा रहा है इसका। तू चिंता मत कर, मैं यहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज की ताकत का इस्तेमाल करके और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पता करके रहूंगा कि टीवी मैन को किसने मारा है और हम टीवी मैन को कैसे जिंदा कर सकते हैं। हम ही में से किसी एक ने धोखा दिया हमारे टीवी मैन को। बिल्कुल सही कहा, मैं कभी नहीं चाहता कि हम में से कोई अपना ही निकले। वो हो सकता है गाइस वो रेड हल्क ही निकले। अरे मैं नहीं हूँ, मैं होता तो सच में बता देता, मुझे बस की डेड बॉडी मिली थी। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर टीवी मैन के टीवी के दरवाजा खोलता हूँ जिससे कि तुम टीवी मैन की दुनिया में जा सको। टीवी मैन के साथ आज तक जो जो चीजें हुई है तुम यहाँ पर फिर चेक कर पाओगे। ऑलराइट गाइस, अब टीवी मैन की दुनिया में जाने का समय आ गया है। टोनी मैं भी आ रहा हूँ, अब पता चलेगा कि असल में हुआ क्या था हमारे टीवी मैन के साथ। गाइस मैं उम्मीद करता हूँ हम सच्चाई का पता लगा पाएंगे। अरे बाप रे, एक मिनट गाइस, ये क्या, टीवी मैन की दुनिया भी हमारी जैसी ही? अब फ्रैंकलिन एक तरह से बस हम टीवी के साथ जो हुई है वो चीजें देखने आए, इसका मतलब हम पास में आ चुके हैं। ओ, इसका मतलब यहाँ पर हमारा टीवी मैन जिंदा होगा। हाँ देखिए, वही समय जब हम पार्टी कर रहे थे सबके सब। हाँ गाइस, अभी तक टीवी मैन यहाँ पर आया नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर अभी कैमरा मैन भी नहीं आया और ना ही स्पीकर मैन आया और ना ही यहाँ पर कोई टीवी है। बिल्कुल सही कहा, इसका मतलब चीजें होगी, अब हमें ध्यान से देखना होगा। एक मिनट, अरे बाप रे, ये तो रेड कैमरा मैन आ रहा है। ओहो भाई, काफी मजा आएगा आज तो पार्टी में, ये मेरा स्पेशल टीवी है। ओए काम करता हूँ, इसको पहले चेक करता हूँ यहाँ पर कौन कौन है। अरे बाप रे, अभी तो यहाँ पर वो बेकार टीवी मैन आया नहीं है, ना ही स्पीकर मैन आया। चलो एक काम करता हूँ, तब तक टीवी को यहाँ रख लेता हूँ, बाकी जाके मजे करूंगा, नाची करूंगा। एक मिनट गाइस, यहाँ पर कैमरा मैन आया और उसने टीवी को लिटरली में स्टॉक पेंशन पे रख दिया, लेकिन इस पे तो कोई बॉम्ब नहीं है। हाँ, और हमारे टीवी मैन ने बताया था कि उसके टीवी पे बॉम्ब लगा था। हाँ गाइस, एक मिनट टोनी, ये तो स्पीकर मैन आ रहा है। अरे भाई जल्दी चलता हूँ, पार्टी की तैयारियां हो रही है बहुत जोरों शोरों से, और आज तो मजा करूंगा। अरे बाप रे, ये सब क्या चल रहा है भाई, ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पर जैसे टीवी मैन भी हमारी पार्टी को ज्वाइन करने आ रहा हो? अब देखना पड़ेगा, अब ये मनोज टीवी मैन यहाँ पर क्यों आ रहा है? अरे चलो जल्दी चलते हैं दोस्तों, मैं अवेंजर से शिकायत करूंगा, फ्रैंकलिन मेरे साथ सही बिहेव नहीं करता। अरे यार मेरे को कुछ करना पड़ेगा, ये तो पार्टी बिगाड़ देगा। गाइस कहीं ये स्पीकर मैन ही तो उस टीवी पे बॉम्ब नहीं लगा देगा? हो सकता है फ्रैंकलिन, यार काश ऐसा ना हो। गाइस देखिए, स्पीकर मैन टीवी पर जा रहा है। ओह नो, अरे भाई ये इतना बड़ा टीवी क्या कर रहा है यहाँ पर रखा हुआ? यार मुझे क्या, मेरे को तो बस पार्टी इंजॉय करनी है, बस वो टीवी मैन बेकार की चीजें ना करते। ओए दोस्तों कैसे हो? अरे आजा भाई आजा, स्पीकर मैन मजे करेंगे। अरे हाँ मजे करेंगे, अरे हाँ मजे करेंगे। गाइस चलो शुक्र है यहाँ पर स्पीकर मैन ने भी बॉम्ब नहीं लगाया, लेकिन फिर किसने लगाया? देखिए गाइस, हमारा प्यारा टीवी मैन जा रहा है। गाइस ये अवेंजर्स के पास यहाँ पर आया था मेरी शिकायत करने, क्योंकि सच बात है यार, मैं टीवी मैन के साथ सही से बिहेव नहीं कर रहा था कुछ दिन से, और मैं इस बात के लिए बहुत गिल्ट फील कर रहा हूँ। देखिए गाइस, मैंने कितनी बुरी बेइज्जती की थी। हाँ यार फ्रैंकलिन, मैंने भी बेइज्जती की थी, लेकिन अभी तक समझ नहीं आ रहा यार, उस टीवी पर तो किसी ने बॉम्ब नहीं लगाया। हाँ फिर क्या होगा? एक मिनट दोस्तों, ये स्पीकर मैन आगे की रहा है। भाई बेचारा टीवी मैन, कितनी बुरी तरह से बेइज्जती होगी उसकी। गाइस मुझे लगता है अब जरूर स्पीकर मैन कुछ करेगा। अरे मेरे को जल्दी से यहाँ पर अपनी प्लानिंग पूरी करनी होगी। फ्रैंकलिन ये कैमरा मैन प्लानिंग की बातें कर रहा है, जल्दी कैमरा करा लेना जूम, और ये वाला एंगल लिया, ये गया मैं टीवी के पास, और ये मैंने क्या बॉम्ब यहाँ पर खतरनाक फिट है, बहुत बढ़िया। अबे फ्रैंकलिन ये क्या, ये तो कैमरा मैन की प्लानिंग थी शुरू से। हाँ इसका मतलब ना ही स्पीकर मैन ना ही रेड हल्क, उस रेड कैमरा मैन की प्लानिंग थी। देख ओ नो, हमारा बेचारा टीवी मैन इस तरह से मरा था। एक मिनट, उसने बताया था बाद में किसने गोली भी मार दी। अरे देखना पड़ेगा वो मर गया मूर्ख या नहीं मर गया, जाके देखना पड़ेगा। अरे तू तो मरा नहीं है, मर जा ले ले। अरे नहीं प्लीज, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अवेंजर्स हेल्प मी, फ्रैंकलिन मुझे बचा। ओह नो गाइस,
ये क्या हो गया, इस रेड कैमरामैन को टोनी मत छोड़ूंगा नहीं। चल जल्दी से प्रेजेंट में चलते हैं और हमें यहाँ पर किसी भी हालत में अपने भाई टीवी मैन को जिंदा करना होगा। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन, हम यहाँ पर हमारे टीवी मैन का एक एक बदला लेंगे। अरे दोस्तों क्या हो गया, अरे हमारा बच्चा टीवी मैन जिंदा हो गया। अरे हाँ एक मिनट कैमरामैन, ये रहा तेरी, तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे मुझे क्यों मार रहा है, मैंने सब जान लिया तूने किस तरह से हमारे टीवी मैन का मारा। अरे फ्रैंकलिन छोड़ दे उसको, मैंने उसको माफ कर दिया, छोड़ दे, रहने दे, मैं जिंदा हो गया मेरे लिए वही बहुत है। देखा गाइस हमारा टीवी मैन कितना दयालु है, एंड में भी माफ कर रहा है उस कैमरामैन को, उसको शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा, बाकी सॉरी कैमरामैन यार। गाइस आप सभी को स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लो, थैंक यू सो मच।